तो भैया, तो भैया सलाम राम राम सत श्री अकाल। मैं बढ़िया हूँ, सुनाओ तुम्हारे हाल चाल। तो भैया अभी आप लोगों से बहुत दिनों बाद मिलना हुआ है, तो बहुत सारी बातचीत भी करनी है, तो जल्दी से घर चलते हैं और फिर बातचीत करते हैं। जो मेरी लास्ट वीडियो थी वो डाली थी मैंने आई थिंक 18 नवंबर को, और 18 नवंबर से लेके और आज है 7 दिसंबर, तो इसके बीच मैंने कोई वीडियो नहीं डाली। आप लोगों को पता ही क्यों नहीं डाली। और इन दिनों के बीच मेरे साथ कुछ स्पेशल हुआ नहीं, सिर्फ एक काम स्पेशल हुआ और वो जो कि बड़ा गलत हुआ, वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ क्या हुआ। ये जो मेरा हेलमेट है, इसके आगे जो मैंने यहाँ पर जे माउंट लगाया था एक्शन कैम माउंट करने के लिए, वो मेरे से टूट गया। वो कैसे टूटा, मैं इसको मतलब पकड़ा हुआ था और यहाँ से तो ये फिसल गया मेरे हाथ से और ये सीधा इस साइड से ज़मीन में गिरा, पू, और मेरा जे माउंट टूट गया। तो अभी मेरे पास दो जे माउंट थे, एक तो मेरे से पहले टूट गया था और एक मैंने अभी तोड़ दिया, ग्रेट। तो अभी दोनों जे माउंट तो है नहीं, तो अभी यार मुझे कुछ जुगाड़ लगा के देखना पड़ेगा कि अभी एक्शन कैम इस पर कैसे लगाना है मुझे। तो जो अपना एच जे कैम आप लोगों को पता ही है, डब्बे में बहुत सारे माउंट भर के दे देता है, तो अब उस माउंट से मतलब उन माउंट को यूज़ करके देखते हैं इसका क्या कुछ जुगाड़ निकलता है, तो ट्राई करते हैं। सो फाइनली मैंने अभी इसका जुगाड़ निकाल लिया एक्शन कैम लगाने का, और ये जो भी जुगाड़ मैंने कुछ इस तरीके का बनाया, और ये अपने हेलमेट में कुछ इस तरह लगेगा यहाँ पर आगे ऐसे। तो अब की बार ये थोड़ा ज़्यादा आगे हो जाएगा, लेकिन काम तो ऐसे ही चलाना पड़ेगा। ये कुछ इस तरह दिखेगा लगने के बाद, और अभी के अभी मैं इसे लगा देता, लेकिन यार दिक्कत एक हो रही है कि जो इसके पीछे टेप होती है चिपकाने के लिए हेलमेट पे, वो टेप मैंने यहाँ से निकाल ली थी, मैंने उसको कहीं और यूज़ कर लिया था। तो अभी टेप तो इस पे है नहीं, तो अभी मुझे यहाँ पर चाहिएगी डबल साइड टेप ताकि मैं इसको चिपका के हेलमेट के ऊपर चिपका सकूँ, और उसके बाद मेरे को चाहिएगी एमसील ताकि मैं उसके साइड में लगा लूँ ताकि मज़बूती बनी रहे। और इसी से रिलेटेड मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ कि मेरी बहन ने मेरे को एक्शन कैमरा तो दे दिया, लेकिन जो इसका चार्जर अपने पास रख के बैठ गई, ग्रेट। तो अभी ये चार्ज हम इसको कैसे करेंगे, ये भी दिक्कत आ रही है। या अब तो मेरे पास दो ही ऑप्शन है, या तो मैं नोएडा जाके चार्जर ले आऊँ या फिर मैं यहीं से नया ख़रीद लूँ, तो देखते हैं क्या करेंगे। पर एक अच्छी बात ये भी है कि अभी मैं सुबह डेली 4 से 5 बजे के आसपास उठ जाता हूँ, तो जो कि बहुत अच्छी बात है। तो अभी एग्ज़ाम वगैरह ख़त्म हो चुके हैं, अभी आराम से मैं कल से सुबह 4 बजे उठना शुरू कर दूँगा वापस से, और वापस अपनी रनिंग वगैरह वापस शुरू करेंगे। और यार मैंने इतने दिनों बाद वापस व्लॉग करना शुरू करा है, तो पता नहीं अजीब सा लग रहा है। आई थिंक 15-16 दिन तो हो गए आराम से मेरे को व्लॉग किए हुए, तो इसलिए भी थोड़ा अजीब सा लग रहा है, लेकिन कोई नहीं, ये भी अभी वापस धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही कहना था आप लोगों को, आई होप ये आपको छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो में, मतलब आपको कल मिलते हैं। तो भैया अपना ध्यान रखो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, बाय बाय एंड जय हिंद। तो भैया वीडियो एंड करने से पहले मैं अपने गली के बच्चों से आप लोगों को एक एक करके इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। तो इसको तो तुम जानते होगे, इसको इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। नाम बता अपना। अर्षिता। पूरा नाम बता। अर्षिता देसवाल एंडी छोरी। एंडी छोरी। तू अपना बता भाई। विकास देसवाल। तू बता भाई। रवि देसवाल। विधि देसवाल। तू बता भैया। राहुल देसवाल। तू बता भैया। तो भैया ये थे गली के बच्चे हमारे, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में।